पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई से वो वाकया याद आई जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अपनी कौम से कहो कि तैयार रहो, कात आने वाली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात अपनी कौम तक पहुंचाई। उनकी कौम ने अपने घरों के दीवारों में सुराख बना दिए ताकि इस सख्ती की हालत में हम एक दूसरे के मदद कर सके और ये सख्ती के दिन गुजर जाए, ये कात के दिन गुजर जाए। कुछ वक्त गुजरा और कात ना आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह आपने फरमाया था कि कात आएगी मगर कात तो नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपकी कौम ने एक दूसरे के ऊपर रहम फरमाई, इसी वजह से मैंने भी आपके ऊपर रहम फरमाई और कात नाजिल नहीं किया। मौजूदा महंगाई की सूरत हाल में हमें अपने रिश्तेदारों, अपने साथियों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर रहम करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के ऊपर रहम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करेगा और हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसला होगा।